हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। हम लोग इन डिटेल डिस्कशन करेंगे जो आपको नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी का कैसा मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, बहुत से लोग बोल रहे हैं मार्केट नीचे आएगा। तो हम लोग चार्ट पे देखते हैं जो चार्ट पे क्या कुछ हो सकता है। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही लेवल्स को नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। निफ्टी का मंथली चार्ट हम लोगों के सामने है। यहाँ पे अगर मंथली चार्ट को देखेंगे तो क्लियरली एक चीज यहाँ पे समझ में आ रहा है, मार्केट नीचे आने के लिए आपको यहाँ पे रेडी नहीं है। मार्केट ऊपर के लेवल पे आपको सस्टेन कर रहा है, बट ये एक रेंज में यहाँ पे आपको ट्रेड कर रहा है। कंटिन्यू अगर देखेंगे तो लास्ट के आपको ये सिक्स मंथ है, लास्ट के फाइव मंथ से कंटिन्यू आपको इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और इस मंथ भी आपको इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ब्रॉडर रेंज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो नीचे की साइड 16,750 और ऊपर की साइड 18,300 ये आपको मंथली चार्ट में एक रेंज है, जिस रेंज के ऊपर या नीचे जब तक आपको क्लोजिंग नहीं होता है यहाँ पे निफ्टी में आपको ना ज्यादा बड़ा मोमेंटम अपसाइड ना ज्यादा बड़ा मोमेंटम डाउनसाइड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट रैली अगर आपको स्टार्ट भी होगा तो 18,300 के ऊपर ही जो है आपको एक बड़ा फिर से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब अगर हम लोग वीकली चार्ट पे आपको यहाँ से स्विच करते हैं तो वीकली चार्ट पे भी क्लियरली हम लोगों को ये लेवल्स रेस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इस लेवल के ऊपर अगर देखेंगे, इससे पहले एक बार जो है आपको एक वीकली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ था, नेक्स्ट वीक में ऊपर से आपको एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और कंटिन्यू इसी रेंज में आपको ये अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है और ये एक चैनल पैटर्न में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो है हम लोग बिल्कुल चैनल पैटर्न को जैसे ट्रेड किया जाता है, जो नीचे की साइड जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढी जाती है, ऊपर की साइड आपको शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी देखा जाता है, तो बिल्कुल इसी तरह से हम लोग जो है यहाँ पे आपको ट्रेड कर सकते हैं। अभी करंटली अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर के लेवल से एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आया है, नीचे के लेवल से आपको बाउंस किया है और यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे डाउन जाने का कोशिश किया था, बट 17,000 के पास से एक अच्छा रिजेक्शन आया है, डोजी कैंडल बना है। नेक्स्ट वीक में आपको यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है ऊपर साइड के मोमेंटम हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो ये एक कुछ आपको डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। अगर ये लेवल यहाँ पे आपको ब्रेक होता है, इस पर्टिकुलर लेवल की अगर बात करें, यहाँ पे 17,600 अगर अपसाइड ब्रेक होता है तो फिर आपको 18,300 की तरफ यहाँ से निफ्टी जो है आपको जा सकता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे स्विच ऑन करें आपको डेली टाइम फ्रेम की ओर, तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे हम लोगों को सेम लेवल कंटिन्यू आपको रेस्पेक्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर डेली चार्ट में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो जो वीकली चार्ट में 17,600 का हम लोगों ने लेवल ड्रॉ किया वो लेवल आपको प्रीवियसली भी यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया है, यहाँ पे भी आपको एक अच्छा सपोर्ट इस लेवल पे मिला है, इस लेवल पे एक अच्छा रेसिस्टेंस मिला है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको मार्केट मोमेंटम कर सकता है, तो 17,600 के ऊपर जो है यहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। नीचे की साइड से देखेंगे कंटिन्यूअस अपने हायर स्विंग को ये बना रहा है, तो ये मोमेंटम जो है आपको यहाँ पे स्विंग, ये जो रिसेंट स्विंग है ये एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, वो अपसाइड जो है आपको 17,600 के ऊपर एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मोर और लेस हम लोग निफ्टी में आपको बाइंग साइड के लिए ही ज्यादा बायस्ड है। अब अगर यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग चलते हैं और लेवल्स की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल हम लोगों को देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर रिसेंटली आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो गैप डाउन ओपन हुआ था, एक रेंज में यहाँ पे निफ्टी आपको ट्रेड किया है, तो ऊपर की साइड आपको जब तक ये रेंज नहीं ब्रेक होता है, ये अब एक क्रूशियल रेंज है, जब तक ऊपर की साइड आपको ये रेंज ब्रेक नहीं होता है, 17,450 अगर ब्रेक होता है तो 17,600 की तरफ आपको निफ्टी जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे 17,300 ब्रेक होता है तो फिर आपको यहाँ पे नीचे की साइड एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी इस लेवल से एक अच्छा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे ट्रिगर हुआ था, लेकिन आपको हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पे निफ्टी जो है
वो एक बुलिश मोमेंटम में है, तो नीचे की साइड जो है उतना एग्रेसिवली आप ट्रेड नहीं करना चाहिए, ऊपर की साइड आप यहाँ पे एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की साइड में यहाँ पे जो है एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है, पॉइंट्स जो है आपको क्विक नीचे की तरफ मिल सकते हैं। तो 17,300 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे नीचे की साइड मोमेंटम आपको पॉसिबल है, और 17,450 अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो ऊपर की साइड 17,600 की तरफ आपको मोमेंटम कर सकता है। अगर नीचे की साइड मोमेंटम करेगा तो फिर जो नेक्स्ट आपको स्विंग है 17,050 का और 17,000, ये एक राउंड नंबर लेवल भी है, साथ ही रिसेंट स्विंग भी है, तो ये आपको एक सपोर्ट की तरह यहाँ काम कर सकता है। तो हम लोग इस लेवल के टारगेट के लिए देख सकते हैं, अगर 17,300 ब्रेक होता है तो नीचे की साइड 17,050 17,000 इस लेवल तक जो है आपको यहाँ पे निफ्टी जा सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट में जो है आपको यहाँ पे भी बुलिश मोमेंटम ही यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि लास्ट के अगर देखेंगे तो एक अच्छा आपको डाउनफॉल हुआ था और यहाँ से 35,000 से एक अच्छा रिकवरी हुआ जनवरी मंथ में, और इस मंथ में जो है अभी आपको यहाँ पे डोजी कैंडल बना हुआ है, अभी यहाँ पे ज्यादा ट्रेडिंग सेशन हुए नहीं है, आने वाले दिनों में और जो है यहाँ पे पिक्चर क्लियर होगा। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें आपको ब्रॉडर रेंज की तो 35,000 से 40,000 ये जो है बैंक निफ्टी, ये एक क्रूशियल रेंज है जहां पे कि बैंक निफ्टी आपको 6 to 7 months से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जब तक आइदर साइड ये रेंज नहीं ब्रेक होता है यहां पे आपको उतना बड़ा मोमेंटम नहीं दिखेगा। अब अगर हम लोग यहां पे आपको वीकली चार्ट में बात करें तो वीकली चार्ट में भी यहाँ पे क्लियरली जो है एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट में आपको स्विंग लो डिफेंड हो रहा है 37,500 के ऊपर कंटिन्यूस जो है आपको 4 weeks से यहाँ पे हॉल्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऊपर 40,000 की तरफ जो है बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे जा सकता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट में बात करें तो डेली चार्ट में जो है यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी डेली चार्ट में भी कंटिन्यूस जो है यहाँ पे कुछ इस टाइप से पैटर्न का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। यहाँ पे जो है आपको एक चीज क्लियरली है, जो स्विंग लो जो है वो हायर साइड पे बन रहा है, प्रीवियस स्विंग लो आपको डिफेंड हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ इस टाइप से एक डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, 39,000 के ऊपर इस पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है, जहां से कि आपको एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की साइड 40,000 की तरफ यहाँ पे हो सकता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग लेवल्स की बात करें आपको डेली चार्ट में बैंक निफ्टी भी यहाँ पे बुलिश है, वीकली चार्ट में भी दिख रहा है जो ऊपर की साइड आपको मोमेंटम कर सकता है, एक ट्रेंड लाइन भी आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे दिख रहा है, तो ऊपर की साइड मोमेंटम आपको यहाँ पे कर सकता है। अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग कैसे यहाँ पे आपको ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में आपको जो सबसे क्रूशियल लेवल है वो है आपको प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का रेंज। यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर बात करेंगे तो एक जो आपको यहाँ पे रेंज बन के आ रहा है जहाँ पे कि आपको लास्ट टाइम सपोर्ट लिया है, ये रेंज आपको एक अच्छा सपोर्ट दे रहा है बैंक निफ्टी को, जहाँ पे कि इससे पहले भी आपको सेम इसी लेवल से एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड हुआ था, और लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में अगर देखेंगे तो कुछ इस टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर नीचे की साइड 38,300 का लेवल यहाँ पे भी ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी में भी नीचे की साइड एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है, ऊपर की साइड जब तक आपको 38,800 का लेवल यहां पे ब्रेक नहीं होता है यहां पे जो है ज्यादा एग्रेसिवली पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी आपको फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पे कुछ अगर आपको एक बुलिश कैंडल फॉर्म करता है या बुलिश इंगल्फिंग कैंडल टाइप का कुछ फॉर्म करता है और आपके पास फिर भी अगर यहाँ पे 200 या 150 पॉइंट का स्पेस रहता है तो आप यहाँ पे जो है कुछ क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो, रेस्ट क्वांटिटी को जब ये ब्रेकआउट कर जाएगा उसके बाद ऐड करना सही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो ब्रेक 38,300 के ब्रेक होने के साथ जो है यहाँ पे आपको नीचे की साइड एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। तो हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में अपसाइड मोमेंटम के लिए जो है ज्यादा बायस्ड हैं, लेकिन डाउनसाइड मोमेंटम भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को वेट करना होगा सर्टेन लेवल्स को ब्रेक होने का। 38,300 जो है आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में ब्रेक होना चाहिए और
निफ्टी की बात करें 17,300 निफ्टी में ब्रेक होना चाहिए, तभी जो है आपको यहाँ पे डाउनसाइड मोमेंटम पॉसिबल है। उसको भी आप यहाँ पे जो है पोजिशनली होल्ड नहीं करना चाहिए, आपको शॉर्ट साइड में पोजिशनली जो है ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे की साइड जो है आपको एक अच्छा सपोर्ट हर एक लेवल्स पे बना हुआ है, जहां पे कि आपको ये लेवल्स रेस्पेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए जो है इन सभी लेवल्स पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब कल मार्केट ओपन होता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जो किस लेवल पे हम लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सभी लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।